अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, सब रेडी हो चुके हैं, पासपोर्ट उठा लिया, सामान उठा लिया, जा रहे हैं बाकू। वो देखो उल्टा सीधा बोल रहा है ये बंदा, ठीक है। यार वो चप्पलें मेरी किसी ने पहन ली थी, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। दोनों गाड़ी में काकू भी जा रहा है ड्रॉप करने, एसन भाई भी जाएंगे, फटाफट जाते हैं बाकू एयरपोर्ट में, जाएंगे देखेंगे जरा। लंबी फ्लाइट है तो मजा भी आएगा। सामान उठा लिया तुमने, पैंपर रख लिया अपने? सही है। आपने अपने पैर रख लिए? आपसे दुबई में मुलाकात हो अगर आप लोग आ जाए, इंशाल्लाह भाई को प्लान करेंगे। बाबे तू भी नेक्स्ट टाइम जाएगा ना हमारे साथ? किधर जा ही तो रहे हैं। नहीं ये मजाक हो रहा है, बहुत मजे आने वाले आपको देखना। अंग्रेजों को छेड़ेंगे वहाँ जाकर, अरबियों को भी छेड़ेंगे। वैसे तुमने उनको पबजी की लॉबी में छेड़ा है, इधर उनको सच्ची में छेड़ेंगे हम। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये मैंने देखा कि ये मशीन जापान वालों ने दी हुई है हमें, फ्रॉम द पीपल ऑफ जापान। मुझे भूख लग रही है, थक चुका हूँ, लेकिन हम लोग फाइनली आ चुके हैं कराची। फीलिंग भाई, फीलिंग इंटरनेशनल टूर में मजा आया ना, वापस आ गया अपने भाई। कोशिश करेंगे ऐसा टूर बनाएं कि यार अपने बच्चों को सुनाने के लिए किस्से हों। सादा सादा तुम्हारा भाई। क्या चलो भाई टूर के यार मोहब्बत आवाज ते नाल ही ले गए हंस। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्या जी साहब, क्या तो लेवल है आपका भाई, ग्लासेस लगा के कसम से हीरो लग रहे हो। वल्लाह मजाक नहीं कर रहा। मिस यू ब्रो। ओके जल्दी से आओगे? गाने गाएंगे आगे साथ रखो भाई। ओके जी। ओके भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं। वेरी सेफ जर्नी। थैंक यू ब्रो। ए ठीक है अमर भाई, जाओ तुम तो साथ ही हो। सबसे पहले आप आओ तो करेंसी चेंज करा लो, हमने करा लिया। और 3 लाख के सिर्फ कितने बने? $1200 सस्ता उल्टा तो मतलब यूरो लिया। 1200 भी ज्यादा आ गए, डॉलर कम आते। हाँ डॉलर ने आना था तकरीबन 1100 के आसपास। कुछ ज्यादा ही खुआरी हो गई थी, सुबह हम 6 बजे के निकले हुए हैं। भाई ये बंदा ना शक्ल से बर्दाती लगता है, इसलिए मुझे बार बार रोकते हैं, पता नहीं क्यों। सादा सा बंदा है ना, यो यो टाइप नहीं लगता। काफी तंग किया है, लेकिन खुआरी के बाद अभी फाइनली सब कुछ क्लियर हो चुका है और खाने के लिए आके बैठ चुके हैं। बाकी का सफर कैसा रहता है? बर्दाती लगता हूँ मैं, बट हूँ मैं बड़ा मासूम, लेकिन आवाम को पता है, बट ये ऑफिसर्स को नहीं पता ना, तो अपनी तसल्ली कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कर ली। करने का अच्छी तरह हिलाइएगा आपका कैरमल नीचे, आमिर भाई एक्सपर्ट है। खाना वाना आ गया, अभी थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, फिर ज्यादा नींद आएगी। खाना खा के ज्यादा नींद आती है। आपका भाई वैसे बड़ा नर्वस है, सब उड़ी हो गए थोड़ी देर में। जहाज जो है वो जहाज में बैठ के जाएंगे अभी। देख रहे हो इन्होंने हमें ख्वार किया ना, लेकिन अल्लाह की कसम अपने नाम की अनाउंसमेंट करवाई है हमने अपने नाम है भाई। ख्वार इन्होंने किया, लेकिन जानबूझ के अनाउंसमेंट कराई है इस बंदे ने। कब से अनाउंसमेंट हो रही थी हमारे नाम की भाई, हल्के में नहीं आते, सब हमारे इंतजार में। बहुत तेज हो रहा है। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं ख्वारी के बाद, और आपका भाई विंडो सीट पे कब्जा करके बैठ चुके हैं। ये रही हमारी विंडो सीट, वो बैठे हमारे बाकी बॉयज। आमिर भाई को जो सीट है वो आगे मिली है, तो वो बेचारा फिलहाल गलत ही सीन हो गया उसके साथ, अकेला है वो। पर हम बुला लेंगे, जहाज उड़ता है ना तो साथ बुला लेंगे। सोटा प्या इतना दासी हो गया, जिदा उंगला चोरे ताकर जाता। वो रहा आइलैंड, और ये सारा जितना देख रहे हो समंदर है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो यार इससे अच्छी जगह नहीं मिली मुझे व्लॉग बनाने की, ठीक है। वी आर लैंडेड इन कहाँ पे, और कतर कौन से शहर है? दोहा। ये चेक करो, 100 MB इंटरनेट होता है ना, 100 MB इंटरनेट। हाँ पता है कितने का मिला मुझे? कितने का? 2600 रुपए का। असंभव। बस सिर्फ 100 MB एक घंटे के लिए। महंगाई चेक करो, महंगाई बहुत है दुनिया में, पाकिस्तानी वैसे रहते हो। इस बंदे के लिए क्या, जहाज में था वो, जहाज में था। अब नहीं है, लेकिन हम यहाँ एयरपोर्ट का वाईफाई यूज कर रहे हैं। क्या बात, 5G ब्रो फ्री कतर में मौजूद है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है आईफोन के रेट से वो आसमान पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो डिसाइड किया था कि यहाँ से ले लेंगे, अभी एप्पल स्टोर ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले कुछ खाते हैं, फिर एप्पल स्टोर जाते हैं और लेते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स। दिस इज दोहा बेबी। फाइनली हमें एप्पल स्टोर मिल गया, अब पता करते हैं यहाँ पे 14 प्रो मैक्स है तो ले लेते हैं। मोबाइल चेंज अपडेट ऐसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। डमी का मतलब ये सब चेक कर सकते हो ना,
परचेज नहीं कर सकते, आउट ऑफ स्टॉक है ब्रो। 14 है नहीं, सिर्फ 14 है, लेकिन सिर्फ 14 नहीं लेंगे यार, 14 प्रो मैक्स होता तो लेते। ये 14 कौन से इनमें से, ये 14 है यार, छोटे छोटे ये 14 है, ये 14 का क्या करेंगे, क्या करेंगे, 8 लग रहा है ये। शक्ल भी तो देखो इसकी, वो ये 13 डैश क्यों कर रहे हो यार, क्या हो गया, 8 लग रहा है ये यार। कहीं से भी नहीं मिल रहा, पाकिस्तान से नहीं मिला, दुबई से पता किया वहाँ पे भी नहीं था, कतर आया वहाँ पे भी नहीं है, अजरबैजान में अपना स्टोर ही नहीं है, वेट ही करना पड़ेगा। लुक एट दिस मास्टरपीस, इन सबको हम बेच देना मुझे भी तब भी ये नहीं आएगी ड्रीम गाड़ी। आपके पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन आपके पास मैकलैरन का, दूसरा रेंज रोवर का, आप कौन सी बाय करना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट अगर मुझसे पूछो ना ऑनेस्टली, मैं जाऊंगा रेंज रोवर पर। मैकलैरन अच्छी है नो डाउट, बट रेंज रोवर लव है। आप उनमें से कौन सी बाय करना पसंद करते हैं मुझे बताओ। बाबे अगर तेरे से पूछा जाता एक गाड़ी फ्री मिल रही होती, रेंज रोवर या मैकलैरन? मैकलैरन ऑफ कोर्स भाई, मैकलैरन रेंज रोवर को कौन भूल रहा था। बाप रे का अलग ही लेवल है भाई। अमन भाई आप? मैं मैकलैरन। सही है भाई, मेरा टेस्ट ही खराब है, इसका मतलब मैं रेंज रोवर सोच के बैठा हूं। तुम बंदे ही खराब हो। एप्पल की क्या होती है, हैंट्री? हाँ, एप्पल वाली हैंट्री ली है, सब बॉयज ने लिया है, और स्पॉन्सर्ड बाय द वन एंड ओनली अहमद भाई। ओह मेरे को नहीं ली, लेकिन अहमद भाई ने सबको स्पॉन्सर किया है, तीनों को। क्या बात, इसकी ना क्वालिटी काफी अच्छी होती है, और यहाँ काम भी आएगी। घर कॉल कर ली, कतर में रुके हुए और 8 घंटे के लिए यहाँ फंस चुके हैं बुरी तरह। शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन सोने की जगह नहीं है, रेस्ट करने की जगह नहीं है, फ्लाइट में सो नहीं सकते, यहाँ पे भी खुआरी है, थकान से बुरा हाल है, ऑनेस्टली बहुत बुरा हाल है। लेकिन ट्राई करूंगा डेली कंटेंट आप लोगों के लिए, डेली वीडियोस आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। होपफुली आप एंजॉय करोगे हमारा ये टूर, और अच्छा लगा तो हम इंशाल्लाह और टूर लेके आएंगे। पेपर वर्क जारी है फैमिली का, और मेरा इरादा है उम्रे पे जाने का इंशाल्लाह जल्दी, तो वहाँ तो जाना ड्रीम होता है इंसान का, हर इंसान का, मेरा भी है, मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि वहाँ नहीं गया, तो पेपर वर्क थोड़ा सा फंसा हुआ, और मैं अकेला तो जाऊँगा नहीं, सबको साथ लेके जाऊँगा, तो उसका वेट है थोड़ा सा, शायद ही कैमरे पर आए नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग सोचने लग जाते हैं। 9 घंटे की ख्वारी के बाद हम लोग जा रहे हैं बाकू, फाइनली पूरे दिन बहुत ख्वारी थी, फाइनली हम लोग प्लेन में पहुंच चुके हैं 8 घंटे एयरपोर्ट पे फंसे रहने के बाद। बड़ा अच्छा लग रहा है वापस प्लेन में आने के बाद, बड़ी खुशी हो रही है। अब हम लोग तकरीबन 12 बजे रात को बाकू लैंड कर जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। आपको आप खुश हो रहे हो? यस ब्रो। आपको एक दुख की बात बताना चाहता हूं। क्यों? जहाज छोटा है कि बड़ा है? छोटा जहाज है, छोटे जहाज में खाना नहीं मिलता यार, भूख लग रही है हमारे। मैं क्या करूं, मैंने ना कुछ भी नहीं खाया था, मैं तो मैंने सिर्फ फ्राइज खाई थी, इन्होंने बर्गर खा लिए थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। पाकिस्तान के हिसाब से रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, और यहाँ पे 11, तो फाइनली वी आर लैंडेड इन बाकू। खूबसूरत है इनका ना एयरपोर्ट, देखो जरा, नॉट बैड, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। अब इंजॉय करेंगे, थकान का टाइम गया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल, अभी जरा रेस्ट करने दो, अल्लाह हाफिज़।